Welcome to Sharad B. More English School online lecture. Good afternoon, student. Yesterday we have learned about the state chain, branch chain and ring chain of the carbon compound, their names. Now after that we have studied about the functional group. The functional group is the a single atom or group of atoms that present in the carbon skeleton or carbon compound, or you can say that it is substituted at place of the hydrogen atom. Then the properties of that compound determined by that single element, that single heteroatom or single element, or yes, group of elements called functional group. तो उसी को हम क्या बोलते हैं, functional group. Okay, now see the table 9.16. अब जो टेबल 9.16 दिख रहा है, नाउ सी द हेट्रो एटम्स. नाउ हेट्रो एटम्स नेक्स्ट कॉलम बिलोंग्स टू द फंक्शन ग्रुप, द नेम ऑफ दैट फंक्शन ग्रुप एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला. नाउ द हेट्रो एटम इज हैलोजन. नाउ वी नो दैट इन हैलोजन द फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन, दिस एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द फैमिली ऑफ द हैलोजन. The name when these halogens are substituted at place of the hydrogen, then the halo word or prefix is used while writing the name of the that organic compound. Now see, the halo is prefix here. Structural formula is X. X is used to represent the halogen elements like chlorine, bromine, iodine. And condensed structure formula is dash X and Cl Br iodine. So at place of the X, it may be Cl or it may be Br or it may be iodine. Now see the hetero atom oxygen. अब जो function group में hetero atom क्या है, oxygen. In the alcohols, the bond or structural formula of the functional group O सिंगल बॉन्ड H. तो यहाँ पे क्या है, ओ एच है. तो इन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन देयर इज अ सिंगल बॉन्ड एंड दिस साइड दिस बॉन्ड अटैच विद द कार्बन एटम टू विच इट अटैच. ये जिससे अटैच होता है उससे लिए यहाँ पे ये बॉन्ड शो किया है, और ये ओ और एच के बीच में सिंगल बॉन्ड है. तो दिस इज द ग्रुप ऑफ ओ एच एटम एंड कंडेंस फॉर्म इज द ओ एच. क्या है इसका, ओ एच. And this dash shows the bonds with the carbon atom. वो किससे शो करता बॉन्ड, उस कार्बन एटम से. वो नेगेटिव चार्ज नहीं है, ओके. ये साइड में लिखा हुआ है, मिडल में लिखा हुआ है. एंड ओ एच माइनस जब रहता तो कहाँ पे लिखा रहता, उसके टॉप पे लिखा रहता. बट ये जो ओ एच दिखाई दे रहा है, ये क्या है, साइड में लिखा है. साइड में लिखा मतलब दिस विल बॉन्ड विद द कार्बन. ये कार्बन से बॉन्ड करेगा. फॉर एग्जाम्पल CH3, okay, CH2. Now here it will attach as. So this is the ethanol. Now see the valency of this carbon atom. So there are two bond. The two valency completed. Yes, it attach with the one hydrogen atom. So its third valency is completed. And this carbon attach with one OH group, that is alcohol, alcoholic function group. So now yes, valency of this carbon is completed. तो नाउ यस, बिफोर द ओ एच देर इज डैश. तो दिस डैश शोज द बॉन्ड विथ द कार्बन आइटम. ओके, नाउ नेक्स्ट वन एल्डिहाइड. इन एल्डिहाइड ऑल्सो देर इज हेट्रो एटम ऑक्सीजन. अब इसमें हेट्रो एटम क्या है, ऑक्सीजन. नाउ सी द यस स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप. अब हम लोगों को एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है, उसके ग्रुप ऑफ एटम्स के बिटवीन जो बॉन्ड्स है, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है. ओके, नाउ सी कार्बन डबल बॉन्ड ओ, कार्बन एच. ओके, तो हियर द कार्बन एंड ऑक्सीजन दे आर बॉन्डेड बाय द डबल बॉन्ड, एंड हियर कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड बाय द सिंगल बॉन्ड. ओके, तो सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी एच एंड कंडेंस फॉर्म. इन कंडेंस फॉर्म ऑफ द फंक्शनल ग्रुप द बॉन्ड्स आर नॉट शोन. तो यहाँ पे बॉन्ड को हम लोग शो करते नहीं है. तो इट इज सी एच ओ.
क्या है ये सी एच ओ है और यहाँ पे डैश है। नाउ कीटोन, कीटोन तो सी डबल बॉन्ड ओ, हेट्रो एटम इज ऑक्सीजन एंड सी डबल बॉन्ड ओ एंड बोथ साइड ऑफ द दिस कार्बन देर आर डैश साइन मीट मीन्स दिस कार्बन अटैच विद अदर टू कार्बन एटम्स एंड इट्स कंडेंस फॉर्म इज सी ओ डैश डैश। ओके नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड, नेक्स्ट वन इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नाउ सी यस कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी ओ ओ एच। तो हियर वन अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज द वन कीटोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट एंड वेन द अल्कोहलिक ग्रुप एंड कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट टूगेदर देन इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इट्स कंडेंस फॉर्म सी ओ ओ एच। ओके नाउ नेक्स्ट वन इज द ईथर, नेक्स्ट वन इज द ईथर। नाउ इन ईथर यस ऑक्सीजन फॉर्म्स द टू बॉन्ड विद द कार्बन एटम, तो ऑन द बोथ साइड ऑफ दिस ऑक्सीजन देयर आर कार्बन एटम्स। ओके नाउ यस कंडेंस फॉर्म एंड मॉलिक्यूलर सॉरी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोथ सेम फॉर द ईथर। नाउ एस्टर, नेक्स्ट वन इज द एस्टर, एस्टर। नाउ सी सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी सिंगल बॉन्ड ओ एंड देन ओ बॉन्ड्स टू अदर कार्बन एटम एंड दिस कार्बन विच अटैच विद द टू ऑक्सीजन एटम विल अटैच टू द अदर कार्बन एटम। नाउ इट्स कंडेंस फॉर्म डैश सी ओ ओ डैश। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट हेट्रो एटम इज नाइट्रोजन, नेक्स्ट हेट्रो एटम इज नाइट्रोजन एंड द कंपाउंड कॉल्ड इज द अमाइंस। ओके नाउ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एन एच एन एच। ओके तो वन एन एंड यस वन एन फॉर्म्स द थ्री बॉन्ड्स, तो हियर द एन इज कनेक्टेड द टू हाइड्रोजन्स एंड इट विल फॉर्म द बॉन्ड्स विद द अदर कार्बन एटम। नाउ इट्स कंडेंस फॉर्म इज एन एच टू। तो ऑल दीज आर द फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है फंक्शनल ग्रुप है, यस कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप देखा हम लोगों ने, हेलोजन, नेक्स्ट अल्कोहल, सल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर एंड एस्टर एंड अमाइंस, इतने हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप देखे। नाउ होमोलॉगस सीरीज, अब ये होमोलॉगस सीरीज है क्या, यू हैव सीन दैट चैन ऑफ द डिफरेंट लेंथ आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द कार्बन एटम टू ईच अदर। यू हैव सीन दैट चैन्स ऑफ द डिफरेंट लेंथ आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग कार्बन एटम टू ईच अदर। मोर एवर यू हैव ऑल्सो सीन दैट फंक्शनल ग्रुप कैन टेक प्लेस ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ दिस चैन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट लेंथ ऑफ द कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मैनी कंपाउंड सच एज CH3OH, CH3OH, CH3OH is methanol, CH3CH2OH, ethanol, CH3CH2CH2OH, propanol, CH3CH2CH2CH2OH, butanol. So now, yes, functional group on these molecules are same, but only there is one extra CH2 group in between is next कंपाउंड ऑफ अल्कोहल्स, जो हम लोग देख रहे हैं कि यस जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट एलिमेंट है उस ग्रुप का, सॉरी फर्स्ट कंपाउंड है उस ग्रुप का मिथेनॉल, सेकेंड वन इज द इथेनॉल, नेक्स्ट प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सागोनॉल। ओके तो इन दिस व्हाट आर द डिफरेंसेस, तो द डिफरेंसेस आर दैट वन सी एच ग्रुप इनक्रीजेस एंड द weight increases by 14 unit as compared to the previous one. तो previous one के compare में 14 units का weight increase हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, एक CH2 group जिसको हम methylene group बोलते हैं, वो group इसके अंदर add up हो रहा है। which contain alcohol as a functional group through the length of the carbon chain in them is different, their chemical properties are very much similar due to the presence of the same functional group in them. The series of the compound formed by joining the same functional group in the place of the particular hydrogen atom on the chain having the sequentially increased length is called homologous series. These are the different homologous series of the carboxylic acid
homologous series of the aldehyde, etc. All the members of homologous series are homologous of each other. Earlier you have filled the structural formulae and molecular formulae in the table 9.12. From that, initial part of the homologous series of alkanes are formed. Now see the homologous series of alkanes. Now see the first hydrocarbon, which is saturated one, is the methane. Next saturated hydrocarbon is ethane. Next one is propane, butane, pentane and hexane. So number of the carbon atom 1, 2, 3. So here it will be 4 and it will be 4, next one 5, next one 6. Number of CH2 units. Number of CH2 unit. So here the number of CH2 unit will be 4, here 5 and here 6. The boiling point. Now see the boiling point of the methane is -162 degrees Celsius. And ethane, its boiling point is -88.5 and propane -42. And the butane is 0 and pentane 36 and the hexane 69. So as the number of carbon increases in a group, the boiling point also increases. So kya pad raha effect uske physical property pe? Boiling point bhi increase ho raha as the number of carbons are increasing here. Now see the next homologous series of alcohols. अब अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज के बारे में हम लोगों को देखना है. नाउ सी द मिथेनॉल. मिथेनॉल इज सी एस थ्री ओ एच. नाउ यस इस फॉर्मूला इज सी एस थ्री ओ एच एंड मॉलिकुलर फार्मूला इज सी एच फोर ओ. नाउ टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर only one and total number of hydrogen is 4. So that's why H4 is written and there is one oxygen. Number of carbon atom 1, number of CH2 units 1 and boiling point is 63. Next one is ethanol. CH3CH2OH. CH3CH2OH. Now here the number of carbon atoms are 2 and number of the CH2 group are also 2 and the boiling point is 78. Propane, the propane. Okay, now the number of carbon atom is 3 and number of carbon atom is 3. Okay, the 3 is here. Now CH2 group is also 3. Now see the boiling point. Boiling point is 97. Now next compound, butanol, the carbon atoms are 4 here. Now next one, CH2 group also 4 and its boiling point is 118. So now as the number of carbon atoms are increasing in the homologous series, their boiling point also increases. Next one, the homologous series of alkenes. Alkenes are unsaturated hydrocarbon. Now see the when the, there are the two carbon atoms in a unsaturated hydrocarbon, then it is called as the ethene. So now see ethene, its boiling point is -102 means 102. Next, propene, CH3CH double bond CH2. Now number of carbon atom 3 and number of CH2, number of CH2, CH2, number of CH2 unit. अब यहाँ पे CH2 unit पूछा है. कौन सी unit पूछा है? CH2. So now there are वन सी एस टू ग्रुप. ओके मीन्स जहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ उसके अलावा जो सी एस टू ग्रुप है. नाउ बॉइलिंग पॉइंट इज -48 एंड द प्रो ब्यूट यस ब्यूटीन द बॉइलिंग पॉइंट इज -6.5 एंड द पेंटीन इज द 30. नाउ सी हियर द बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर इंक्रीजेज. जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी उसका इंक्रीज हो रहा है. यू हैव फाउंड दैट इन एनी होमोलोगस सीरीज वाइल गोइंग इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ ऑफ द कार्बन चैन एवरी टाइम वन मॉलिक्यूल ऑफ द सी एस टू गोज ऑन इंक्रीजिंग
अभी हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि होमोलोगस सीरीज में जैसे जैसे एक एक कार्बन नंबर इंक्रीज होता है उस फैमिली में, तो 1CH2 ग्रुप भी क्या होता है, इंक्रीज होता है. वाइल गोइंग इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑफ देयर लेंथ, देयर इज अ राइज इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मेंबर बाई 14 यूनिट. और जब हम लोग वेट्स के अकॉर्डिंग अगर वो कितना वेट्स इंक्रीज हो रहा है प्रीवियस वन से नेक्स्ट वन और उससे फिर नेक्स्ट वन, तो वी विल फाइंड दैट देयर इज इंक्रीज इन वेट बाय द 14 यूनिट. वहाँ पे जो वेट इंक्रीज होगा वो 14 यूनिट से होगा. इंस्पेक्शंस ऑफ द टेबल 9.17, इंस्पेक्शंस ऑफ द टेबल 9.17 and 97A, B and C will reveal one more plant point to you, and that is gradation in the boiling point. और हमने जो टेबल ऑब्जर्व किया उसमें क्या देखा कि as the number of the carbon atoms increases, the boiling point also increases. तो उनका boiling point भी क्या हो रहा है, increase हो रहा है, ये हम लोगों ने देखा है. Boiling point is a physical property of compound. Generally, it is found that while going in an increasing order in any homologous series, the physical properties show variation in one direction. That is, gradation is observed in the physical property. जो उसकी physical property है, उसमें हमको क्या मिलता है? Gradation मिलता है. Next. The molecular formulae of the member of homologous series of alkenes can be represented by general formula CnH2n. अब जो अल्किन है, अल्किन के जो मेंबर्स है उनको हम जनरल फार्मूला CnH2n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो जब भी अल्किन होगा तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विल ऑलवेज बी डबल टू द नंबर ऑफ द कार्बन एटम. मीन्स अगर वो अल्किन है और अगर अल्किन है तो क्या होगा, जितना भी कार्बन होगा उससे हाइड्रोजन का नंबर डबल होगा. सपोज द कार्बन आर द फाइव कार्बन आर देयर, तो द हाइड्रोजन टोटल हाइड्रोजन विल बी 10. ओके, मतलब वहाँ पे क्या होगा, डबल हो जाएगा. व्हेन द वैल्यू ऑफ एन इज टू, वी गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज C2H2 × 2, that is C2H4. तो जो उस सीरीज का जो पहला फर्स्ट जो कंपाउंड है इथीन, वो हमको यहाँ पे मिलता है. When value of n is 3, the molecular formula of the second member of the alkene series is obtained as C3H2 × 3, that is C3H6. तो जब हम लोग n की वैल्यू वहाँ पे 3 रखते इस फॉर्मूले में, तो हम लोगों को क्या मिलता, C3H6. What would be the general formula for the molecular formula of the member of the homologous series of alkynes? So its a general formula is CnH2n − 2, because if the number of carbon are the 2, the number of hydrogen are 4, but in alkyne we find that the number of is hydrogen R2. When the number of carbon is 2, the number of the hydrogen is also 2. तो वहाँ पे क्या है, 2 है, तो उसके डबल से भी 2 क्या है, लेस है. तो जितना भी कार्बन होगा उसके डबल से भी 2 लेस. तो दिस विल बी द जनरल फार्मूला ऑफ द अल्किन. अल्किन का जनरल फार्मूला क्या देखो, सॉरी अल्काइन, CnH2n − 2. ओके, तो इस तरीके से क्या करना पड़ता है हम लोगों को, उसको डबल करके उसमें से 2 माइनस करना पड़ता है. तो जितना भी होगा उससे क्या करना पड़ेगा, डबल से भी 2 लेस. तो दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर द अल्काइन. The general molecular formula of the homologous series of the alkyne is
alkyne is CN, is CN, H2N minus 2, means जितने भी कार्बन होंगे उसके डबल से 2 लेस हाइड्रोजन होंगे. तो ये हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया. द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द होमोलोगस सीरीज वी हैव सीन. नाउ वाइल गोइंग फ्रॉम वन मेंबर टू द नेक्स्ट इन होमोलोगस सीरीज वन मिथिलीन यूनिट्स एडेड एंड मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज बाय द 14 यूनिट्स एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज बाय 2. तो ये हम लोगों ने देखा कि यस व्हाट हैपेंस इन अ सीरीज, सीरीज में क्या होता है. केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज शो द सिमिलैरिटी. ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फॉर्मूला. नाउ द यस एलिमेंट्स कंपाउंड्स ऑफ द इफ होमोलोगस सीरीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. उसको हम सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं एंड सेम जनरल फार्मूले से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. एंड द कंपाउंड्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, और उनके अंदर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है. तो टू थिंग्स आर सेम. फर्स्ट वन इज द जनरल फार्मूला इज सेम एंड द फंक्शनल ग्रुप इज सेम एंड द नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीजेज बाय 1. ए 1-1 करके क्या होता है होमोलोगस सीरीज में कार्बन इंक्रीज होता है. नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ द कार्बन कंपाउंड. अब हम लोगों को नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करना है कि हाउ टू राइट द नेम ऑफ द केमिकल कंपाउंड. जो केमिकल कंपाउंड है ये उनको नेम कैसे दे वो हम लोगों को लिखना है. नाउ यस नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ द कार्बन कंपाउंड. कार्बन कंपाउंड की नेमिंग का सिस्टम, उनको नाम देने का सिस्टम. द सिस्टम ऑफ द कॉमन नेम्स, सिस्टम ऑफ द कॉमन नेम्स. We have seen that totally, yes, today millions of the carbon compounds are known. Initially, when the number of known carbon compound was small, पहले बहुत ही शुरुआत में बहुत कम number of the carbon compound पता थे, but आज जो है millions of the carbon compounds के बारे में हमको जानकारी, information है. साइंटिस्ट नेम देम इन वेराइटीज ऑफ वे, और उसको साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग तरीके से क्या किया, नेम दिया. द नेम ऑफ अल्केन दे आर आफ्टर वे आर गिवेन फ्राम द नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन देम. द नेम ऑफ अल्केन हैविंग The name of the alkane thereafter were given from the number of carbon atom in them. The two isomeric compound having the straight chain or branch chain in the saturated formulae are possible for the molecular formula molecular formula of the butane. Okay, butane. So now in butane there are the 4 carbon atoms. The 4, it's a twice is 8 and twice plus 2 means 8 plus 2 will become 10. So now the molecular formula of the butane is C4H10. The difference and interrelation in them was indicated by naming them as a N-butane, isobutane. And isobutane. Okay. IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature. What is the full form of the IUPAC? The full form of the IUPAC is the International Union. IU means what? International. U for union, P for pure, and A for applied, C for chemistry. Okay, student, unmute yourself, and if you have any doubt, ask to me now.
Abdul Basit Ansari Rashad. If you have any doubt, ask to me. Okay, student, not having any doubt. Okay, I'm ending the meeting.